मैं हूं किशोर रजवाणी, आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के पटपटगंज इलाके में बीती रात एक प्रिंटिंग प्रेस की इमारत में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरी दो मंजिला इमारत आग की चपेट में आ गई और वहां से आग की लपटें निकलने लगी। हादसे की जानकारी मिलने के कुछ देर बाद दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने की जद्दोजहद में जुटी। बताया गया कि आग में झुलसने से एक आदमी की मौत हो गई है और खबर ये मिल रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन ये दुखद हादसा हुआ है क्योंकि एक आदमी की इसमें मौत हुई है। तस्वीरें आप देखिए, आग काफी भीषण थी और बताया जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस की ये इमारत थी जिसमें आग लगी और दमकल की 30 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हम इस वक्त पटपड़गंज इलाके में हैं। पटपड़गंज इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री है जो लगभग ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट है, उसके ऊपर दो फ्लोर और बने हैं। इस सभी फैक्ट्री में जो है आप देख सकते हैं इस वक्त भयंकर आग लगी है। रात को बताया जा रहा था ये आग लगी थी, लेकिन अभी तक इस पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कहा जा सकता क्योंकि धुआं काफ़ी ज़्यादा है और जो फैक्ट्री है काफ़ी बड़े एरिया में है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेपर वर्क का काम होता था। यहाँ पर देख सकते हैं सारे पेपर वर्क का जो गोडाउन है वो भी पूरी तरह से जल चुका है और साथ ही यहाँ पर दमकल की टीमें रात से यहाँ पर काम कर रही है। लगभग 30 से ज़्यादा जो दमकल की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा जो रो है यहाँ पर दमकल की टीमें जो हैं वो लगातार काम कर रही हैं। ऊपर आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक मशीनों का इस्तेमाल करके ऊपर लगी है और सामने वो देखिए एक बार फिर आपको आग दिखाएंगे क्योंकि अंदर रह रहकर बीच बीच में आग लग रही है। लेकिन हालांकि जो कंट्रोल रूम है उसका ये कहना था कि आग पर कंट्रोल है, लेकिन बीच बीच में कहीं ना कहीं आग जो है वो सुलग जाती है जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि दमकल विभाग ने बीती रात से काफ़ी कोशिश करी है आग पर कंट्रोल करने की और अभी भी जो धुआं है वो लगातार बदस्तूर जारी है और कोशिश की जा रही है दमकल विभाग के द्वारा कि क्या अपडेट रहेगा इसको जानने के लिए यहाँ पर दमकल के अधिकारी पहुँचे हैं और कोशिश कर रहे हैं बात करने की। सर कितने बजे आप क्या अपडेट? 2:38 पे लगी थी सुबह और अभी फिलहाल हमने इसको अभी अंडर कंट्रोल कर दिया है। कोई कैजुअल्टी वगैरह बताई जा रही है? एक कैजुअल्टी सुबह हम लोगों ने निकाली थी, हॉस्पिटल भेज दिया था। पुलिस सूत्रों से अभी कंफर्म हुआ है कि उसकी डेथ हो गई। सर ये आग किस ये क्या जो गोडाउन था उसकी वजह से आग फैली है या क्या वजह रही है? नहीं, गोडाउन में आप देख रहे हैं जो एरिया खाली होना चाहिए उसमें भी इन्होंने सामान भर रखा है और ऊपर जो स्टेयरकेस है उनमें भी सामान भरा हुआ है, तो उसके कारण हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है।